दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सेस म्यूचुअल फंड AMC में बिना फोलियो नंबर के कैसे लॉगिन कर सकते हैं और AMC में लॉगिन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपने अदर ऐप जैसे कि ग्रो या एंजल वन या अपस्टॉक्स या जरोधा कॉइन के द्वारा एक्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर एप्लीकेशन बंद हो गई तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेंगे। मैं आपको मोबाइल के द्वारा बता रहा हूँ, आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर सेम स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सेस म्यूचुअल फंड टाइप करके सर्च करना है। यहाँ पहले नंबर पर एक एड शो हो रहा है, इसके नीचे दूसरे नंबर की जो वेबसाइट है www.axismf.com, इसके ऊपर क्लिक करेंगे या आप ब्राउजर में www.axismf.com टाइप करके एंटर करोगे तो आपके सामने एक्सिस म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टिंग विद अस और दूसरा है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग विद अस। अगर आप इसमें पहली बार इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप इसमें ये सभी डिटेल डालकर न्यू अकाउंट बना सकते हो। इसमें अपना नाम डालना है, इसमें मोबाइल नंबर और इसमें ईमेल आईडी डालेंगे और इसमें पैन नंबर डालकर एक्सेप्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा जिसे इसमें डालकर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। और अगर आपने किसी ऐप के द्वारा पहले से एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रखी है तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग विद अस में जाकर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, बायां पैन और बायां ईमेल आईडी। तो यहाँ पर मैं आपको पैन नंबर के द्वारा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से बायां पैन ऑप्शन को चूज करेंगे, इसमें पैन नंबर डालकर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा, इसे ओके कर देंगे। इसमें OTP डालकर एक्सेप्ट एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, इसे क्लोज कर देना है। यहाँ फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है, चलिए इसे स्किप कर देते हैं। अकाउंट में लॉगिन हो जाने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू शो हो जाती है और इसके नीचे इन्वेस्टेड अमाउंट शो होती है। यहाँ पर रिटर्न्स की परसेंटेज दी है। आप एसेट वाइज देखोगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% इक्विटी में है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो 100% SIP इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर माई पोर्टफोलियो दिया है। इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, फोलियोज, स्कीम्स और गोल्स। आप फोलियोज में देखोगे तो यहाँ पर आपका नाम और फोलियो नंबर दिया है, यहाँ पर करंट इन्वेस्टेड वैल्यू और यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू दी गई है। आप यहाँ क्लिक करके स्कीम्स देख सकते हो। हमारे पास एक ही स्कीम है और आप यहां से अपने गोल्स प्लान कर सकते हो, जैसे कि आप वेकेशन या बच्चों की एजुकेशन के लिए गोल सेट कर सकते हो, इमरजेंसी फंड के लिए गोल सेट कर सकते हो, वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए गोल सेट कर सकते हो या रिटायरमेंट के लिए गोल सेट कर सकते हो। आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट, मार्केट आउटलुक और इवेंट एंड पॉलिसी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। इसके नीचे कुछ स्कीम्स हो रही हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां से आप डायरेक्ट या रेगुलर चूज करके स्कीम को चेक कर सकते हो। यहां से आप इक्विटी स्कीम्स को चेक कर सकते हो, जैसे कि एक्सिस मल्टीकैप फंड ने पिछले एक साल में 38.43% का रिटर्न दिया है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन सालों में 31.46% का रिटर्न दिया है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने 21.59% का रिटर्न दिया है। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ इन्वेस्ट का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप बाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एड टू कार्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ से डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और इंटरनेशनल फंड चेक कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप फोलियो नंबर से या फिर पैन नंबर से अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आप फोलियो नंबर से अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से फोलियो नंबर ऑप्शन को चूज करेंगे, यहाँ से फोलियो नंबर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से स्कीम चूज करेंगे, यहाँ से पीरियड चूज करेंगे, आप कब से कब तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, डाउनलोड और ईमेल। आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोडेड। और अगर आप स्टेटमेंट को ईमेल पर मंगाना चाहते हैं तो आप ईमेल पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। ऊपर आपको ट्रांजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप फंड परचेज कर सकते हैं, यहाँ से आप फंड में SIP कर सकते हैं, यहाँ से आप गोल प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ETF फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक करके फंड को स्विच कर सकते हो। अगर आप फंड को रिडीम करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके रिडीम कर सकते हो। यहाँ से आप रिडेम्पशन देख सकते हो और आप यहाँ क्लिक करके रिडेम्पशन को कैंसिल कर सकते हो। और आप यहाँ से SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में निवेश कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड में ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ क्लिक करके अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, यहाँ से आप फंड में SIP कर सकते हो और यहाँ से एक लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप सभी स्कीम्स को चेक कर सकते हो जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ क्लिक करके आप इन्वेस्टमेंट और गोल प्लानिंग कर सकते हो। आप सर्विस सेंटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। अगर आप अपने फोन में एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आपको गूगल प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप सर्विस को मैनेज कर सकते हो, यहाँ से ई मैंडेट को मैनेज कर सकते हो, यहाँ से आप अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हो। यहाँ और भी बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं। आप यहाँ क्लिक करके डैशबोर्ड पर जा सकते हो, यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है ट्रांजेक्ट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, यहाँ से आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कोई वॉच लिस्ट बना रखी है तो आप यहाँ क्लिक करके वॉच लिस्ट में जा सकते हो, यहाँ से आप ई मैंडेट को मैनेज कर सकते हो। नीचे आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या का हल चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।